मॉक टेस्ट 9 इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वी सॉ सेंट स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियां, इन द बीच, इन द बीच नहीं होगा ना, ऑन द बीच होगा, ठीक है। एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली कॉमा, क्वेश्चन टैग दिया हुआ है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो एवरीबडी के लिए जो प्रोनाउन आता है वो आता है दे, तो ये दे आ गया, और इसके साथ हैज लगा हुआ है तो दे के साथ हैव लगता है, और क्वेश्चन जो मेन सेंटेंस है पॉजिटिव होता है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, तो बिल्कुल ठीक है ये, नो एरर। द टीचर टोल्ड दैट, टोल्ड के साथ कभी भी दैट नहीं लगता, इसके बाद सीधा वर्ब आता है फर्स्ट। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। तो देखो ऑफ के बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्लुरल आना चाहिए, तो ये आना चाहिए बॉयज, तो सेकंड में आंसर है रॉन्ग। चलिए मिस स्पेल्ट पे आ जाते हैं। मिस स्पेल्ट में जो ये फर्स्ट है, ये है सेपरेट की स्पेलिंग, तो मैंने आपसे बताया स्पेलिंग टेस्ट में कि सेपरेट पढ़ो इसे, सेपरेट, सेपरेट। अब ये स्पेलिंग देख लो कौन सा कह रहा है निकालने के लिए, गिव आउट विच ओनली वन वर्ड स्पेल्ड करेक्टली, जो करेक्टली है। सेपरेट किसमें, सेपरेट ये रहा फर्स्ट वाले में, ठीक है। बेनेवोलेंस, बेने पहले बेने लगा दो, ठीक है ना, और फिर वोलेंस, वी ओ एल ई एन सी ई। आप ना इसको ढक लिया करो, इसको मत देखा करो, क्योंकि इसको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, जो ये आपको क्वेश्चन में स्पेलिंग्स दिए हैं, पहले उसे ढक के खुद से लिख लो पेपर पे कि आप क्या जानते हो उस स्पेलिंग के बारे में, और फिर से फाइंड क्या करो, क्योंकि इस चारों को देख के यदि आप करोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे कई बार। तो बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस थर्ड में है, ठीक है। चलिए कॉमेंसुरेट, ठीक है, कॉमेंसुरेट मीन्स होता है किसी चीज का साइज बड़ा करना, इट इज रिलेटेड टू साइज, आकार। तो इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, देखो कम टुगेदर के लिए, और मेंसुरेट तो एम ई एन मैन लगेगा, ठीक है, और फिर लगेगा सुरेट, एस यू आर ए टी ई, कमेंसुरेट, क्योंकि ये ओ था ये ई था तो डबल हो जाएगा ना फिर कॉन्सोनेंट, तो ऐसा देखो इसमें नहीं है, ये हटा, ये हटा, ई एन ई एन एस यू, सुरेट, सारेट थोड़ी ना होता है, कमेंसुरेट ये वाला। नाउ काउंटरफीट, काउंटरफीट का मीन्स होता है नॉट जेन्युइन, विच इज नॉट जेन्युइन, तो काउंटर पहले काउंटर लिख लो, सी ओ यू एन टी ई आर, काउंटर, और फिर फीट, एफ ई आई टी, काउंटर फीट, ठीक है, तो काउंटर फीट ये रहा, इसका मीन्स होता है नॉट जेन्युइन। ब्यूरोक्रेसी इंपॉर्टेंट है ये भी, देखो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की जो स्पेलिंग होती है पहले आप उसके लिए लिख लो ब्यूरो, तो उससे ना आपका स्पेलिंग ईजी हो जाएगा। ब्यूरो कैसे लिखोगे, या आप ब्यूरो याद नहीं रखो तो ब्यूरोक्रेसी के लिए याद रखो बुरे, ऑफिशियल्स बुरे होते हैं, तो ऐसे लिख लिया करो बी यू, नहीं ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये गलत है, देश के संविधान को मानना चाहिए, कुछ लोग हैं जो बुरे हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं। ब्यूरोक्रेसी, बी यू आर ई ए, है ना, बुरे हो गया, और देखो ब्यूरे बुरे, ऑक्रेसी, ऑक्रेसी मीन्स होता है रूल, तो ए यू सी आर ए सी वाई, क्रेसी, ब्यूरो, बी यू आर ई ए यू, ब्यूरो, ऐसे याद रख लो क्रेसी, ठीक है। अब देख लो इसमें क्या है, बी यू आर ई ए यू सी आर ए सी वाई, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ये दिनों तो आप देख के ही गलत कर दोगे, क्योंकि आई ई थोड़ी ना होगा, वाई होगा, है ना, और ब्यूरोक्रेसी होता है ब्यूरो, बेरोक्रेसी थोड़ी ना होता है, तो इसको भी आप यदि थोड़ा सा इंटेलिजेंस दिखाओगे तो ये रॉन्ग होके वो सही हो जाएगा, ठीक है। फेनोमिनन, इसको जो पढ़ते हैं फेनोमिनन, फेनोमिनन, तो देखो फेनोमिना, फेनो, ठीक है, मैनन, मैनन, फेनोमिनन, फेनोमिनन कौन सा है, फेनोमिनन, फेनो, इसमें ए है, ए नहीं होगा, और फेनोमिनियन नहीं, नहीं ये होगा सेकंड। अकोमोडेट, देखो ए डबल सी ओ, क्योंकि ओ आ गया तो ये डबल सी होगा, अको डबल एम ओ डी ए टी ई, अकोमोडेट, सेकंड आंसर, ठीक है। ऐसे ही एक अकोमोडेट की तरह एक वर्ड है रेस्टोरेंट,
उसकी स्पेलिंग भी काफी बार पूछी गई है, REST, रेस्ट करने जाते हैं लोग, रेस्टोरेंट, टॉ और रेंट होता है, रेंट हम लोग ये लिख देते हैं RENT, रेंट, रेंट नहीं होता, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ए होगा, है ना, ई वाला स्पेलिंग गलत होता है, रेस्टोरेंट ध्यान रखना। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी, ठीक है, तो क्या होगा, बेने मीन्स अच्छा होता है, तो BENE, बेने, फिर फी FI, ठीक है, CIARY, बेनिफिशियरी है क्या, बेनिफिशियरी, ये रहा 12 का फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेगनेशन, 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 ठीक है ना, देखो ये स्टेगनेशन मीन्स होता है जम जाना, स्टेग, स्टेग मीन्स होता है किस चीज का रुक जाना, तो स्टेग की स्पेलिंग होती है STAG, स्टेग, और उसके बाद नेशन लगा दो, देश, NATION, स्टेगनेशन, किसमें है ये, स्टेगनेशन, स्टेग, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये रहा स्टेगनेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रिकनेंस, रिकनेंस होता है, रिकनेंस, इसका मीन्स होता है स्टडी समथिंग फॉर मिलिट्री पर्पस, तो उसकी स्पेलिंग होती है रेक, रेक मीन्स पुरानी चीजों को पढ़ना, रेक ये ओल्ड चीजों की तरफ इशारा करता है, RECO, रेक, नेंस, नेंस, NAI, होना चाहिए, और होना चाहिए ANCE, रेक, AI आ गया, वैसे डबल वॉवेल आता है तो कॉन्सोनेंट सिंगल रहता है, लेकिन यहाँ पे डबल हो जाता है, रेकनेंस, NSS लिख दिया मैंने, यहां मिस्टेक होती है मैंने, ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहां पे कौन सा है, RECO, NAI, SNC थर्ड में। अग्रेशन, अग्रेशन का मीनिंग होता है एंग्री फीलिंग, ठीक है, अग्रेशन का मीनिंग होता है एंग्री फीलिंग, तो अग्रेशन का स्पेलिंग होगा AGGRE SSION, ये रहा अग्रेशन। ब्रीफ, नेक्स्ट 16 पे आ जाओ, ब्रीफ, ठीक है ना, ब्रीफ जो है उसके स्पेलिंग होती है BRIEF, ई पहले आता है, आई बाद में आता है, तो ब्रीफ तो करेक्ट है, नहीं, सॉरी, BRI पहले आएगा, ई बाद में आएगा, और एफ, ये होता है ना रूल, तो ब्रीफ रॉन्ग था, हमें करेक्ट वाला ढूंढना है। उसके बाद परसीव, ठीक है, उसके बाद आता है परसीव, नेक्स्ट परसीव, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, पर और सी आता है पहले, तो ई पहले, परसीव, ई पहले आएगा ना, सी में ई पहले आता है, IVE, तो ये भी स्पेलिंग रॉन्ग है। उसके बाद रिलीव, आई पहले आता है, ई बाद में, तो रिलीव की स्पेलिंग ठीक है, चीफ की स्पेलिंग गलत है, CHIEF होगा चीफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट क्या होता है, जब पार्लियामेंट को एडजर्नमेंट किया जाता है तो ये कहा जाता है कि इस टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद हम मिलेंगे, और एक होता है सिनेडाई, सिनेडाई का मीनिंग होता है इनफाइनाइट टाइम के लिए, उसमें डेट फिक्स नहीं होता कि अब कब मिलेंगे, टाइम फिक्स नहीं होता, ये दो चीज वर्ड्स आ जाता है एग्जाम में, GS में। देखो तो पहले तो एडजर्न होता है, जे ऐसे ही कट गया, ये वाला तो ऐसे ही कट गया, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट, मांट नहीं होता, मेंट, तो फोर्थ आएगा, है ना, एडजर्नमेंट। कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉरेस्पॉन्डेंट, तो ये चला गया, अब RR वाला है, कॉरेस्पॉन्डेंट, पेंडेंट नहीं होता, पॉन्डेंट, है ना, कॉरेस्पॉन्डेंट, डेंट, डांत, डांत नहीं होता, डेंट, तो ई वाला होता है, ये नहीं होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंट जो होते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, मैन होते हैं ना, उससे ऐसे याद रख लो, कॉरेस्पॉन्डेंट, मैन में भी ई होता है, ठीक है। स्पेलिंग याद रखने के जो इम्पोर्टेंट है वो आप ऐसे ही रख सकते हैं एग्जाम वाले, कि यहाँ पे ई होता है, यहाँ पे नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें कुछ निमोनिक्स लगा के। नेक्स्ट डिफाइंस, डिफाइंस मीन्स मना करना किस चीज को, तो डिफाइंस क्या होगा, DEFIANCE, डिफाइंस, ठीक है ना, तो देख लो, डिफा नहीं, डेफ नहीं, डिफिया नहीं, डेफियन, डिफाइंस, हाँ ये ठीक है। मिसचीवस, मिसचीवियस, मिसचीवियस होता है ना,
तो देखो, एक तो MIS होना चाहिए मिस, उसके बाद ची के लिए CH लगेगा, मिस्चीवियस, तो आई पहले आ जाएगा है ना, ई बाद में आता है इसमें, मिस्चीवियस। तो ऐसा है क्या, MISCH, ठीक है आई। वैसे तो जब भी CH का साउंड आता है ना, श का साउंड आता है, तो ई पहले आ जाता है, मिस्चीवस, मिस है ना, मिस्चीवस। तो IVOUS, ठीक है ये रॉन्ग है, ठीक है, और IVS नहीं है ना, आई यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है, मिस ची वी एस, ये तो ऐसे ही लग रहा होंगे। नेक्स्ट है कैकोफोनी, कैको कैको मीन्स गंदा, तो CACO, कैकोफोनी मीन्स आवाज, PHONY, देख लो कौन सा है, कैकोफोनी। कोकाफोनी नहीं होता, कोको नहीं होता, काका नहीं होता, कैकोफोनी, गंदा आवाज, हार्ड साउंड। नेक्स्ट है हॉन्चेस, हॉन्चेस बैक पीछे की तरफ मुड़ना, हॉन्चेस, तो हॉन्चेस की स्पेलिंग होती है HAUNCHES, ये गलत है। एक्सल्टेंट, एक्सल्टेंट का मीन्स का मीनिंग होता है हैप्पी होना, खुश होना, तो EX एक्सल और टेंट, TNT, एक्सल्टेंट, तो ये होता है एक्सल्टेंट, तो ये भी रॉन्ग है। मार्केटेड, देखो TEE है ना, ऐसा कभी देखा है मार्केटेड में, MARKETED है ना, ये होता है मार्केटेड, तो यही आपका आंसर, ये रॉन्ग है। ट्रांसमिट, ठीक है ट्रांसमिट कैसे पहले, नहीं सॉरी, हमें तो जो रॉन्ग नहीं है वो फाइंड करना है ना, ट्रांसमिट होगा आंसर ना। ईडियम पे आ जाओ, टू पुट वंस हैंड टू प्लो, भाई प्लो मींस होता है हल, किसान हल चलाने जाता है, ये कैसा काम है, डिफिकल्ट काम है, तो डिफिकल्ट काम करने को कहते हैं कि पुट वंस हैंड ऑन प्लो, प्लो मींस हल, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क। टू पिक होल्स यानी दूसरों में ना, दूसरों की कमियां निकालना, तो ऐसा है क्या, टू टू फाइंड सम रीजन टू क्वारल, नहीं, टू क्रिटिसाइज समवन, ये सही लग रहा है, देखते हैं आगे इससे बेटर ऑप्शन मिल जाए। टू कट समवंस पार्ट, नहीं, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, नहीं, फिर टू क्रिटिसाइज समवन। ही इज लाइक अ स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास छुपा हुआ रहता है ना, आपको पता नहीं चलता, तो इसका मीनिंग होता है छुपा हुआ दुश्मन, तो क्या होगा, अ स्टूपिड पर्सन, नहीं, अ क्लोज फ्रेंड, नहीं, अ डिस्टेंट रिलेटिव, दूर का आपका रिलेटिव कोई नहीं, अ हिडन राइवल, राइवल मींस दुश्मन आपका, तो यही होता है आंसर। गॉड्स एकर, एकर को जमीन में नापते हैं ना, और जमीन किसका जमीन, गॉड का जमीन, तो गॉड का जमीन जहां पे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो है ना, तो क्या हो जाएगा, चर्च, अ सिमेट्री बिसाइड अ चर्च, एजल, अल्टार, नहीं नहीं ये नहीं होता, चर्च नहीं होता, सिमेट्री बिसाइड अ चर्च, क्योंकि एक्चुअली ये इंग्लिश वर्ड है ना, तो जहां भी कब्र होता है क्रिश्चियनिटीज में, वहां एक चर्च होता है, तो उसी के पास जो ये जमीन होता है उसको हम गॉड्स एकर कहते हैं, भगवान की जमीन। तो सिमेट्री, सिमेट्री जहां पे दफन किया जाता है, एक होता है ये सिमेट्री, एक होता है क्रिमेट्री, क्रिमेटोरियम जिससे बना, क्री मे टोरियम, उसका क्या मीनिंग होता है, जहां पे लाश को जलाया जाता है, एजल मीन्स होता है ये दो रो के बीच का जगह, अल्टार मीन्स पूजा की वेदी। नेक्स्ट पे आ जाओ, सी रैंगल्ड ओवर एन एस शेडो, एक गधे के शेडो के ऊपर ना वो बार बार चिल्ला किया है, ये गधे का शेडो, ये तो क्या है, एकदम फालतू में बेवकूफी करना है ना, किसी ऐसी चीज के लिए डिस्प्यूट करना जो मतलब कि कोई यूजफुल नहीं है, तो डिड अननेसेसरी वर्क, नहीं, डिस्प्यूट होता है इसका मीनिंग। क्वारल्ड लाइक फूल्स, नहीं, सेट ऑन द शेडो ऑफ द एस, नहीं, क्वारल्ड ओवर ट्रिफल्स, हाँ मतलब ऐसा चीज जिसका कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए क्वारल करना, एस शेडो, रैंगल्ड ओवर एस शेडो। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम अ बुक, किसी बुक से उसमें यदि कोई कुछ गलत हो गया तो उसको निकाल देना, उसको हम कहते हैं एक्सपर्गेट, एक्सपर्गेट, डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना, खत्म करना, एक्सटिर्पेट, और दूसरा है एक्सटर्मिनेट है ना, एक्सपेट्रिएट होता है किसी का वो छीन लेना, उसका सिविलियन, सिविलियनशिप, सिटीजनशिप, सॉरी, ठीक है।
पर्टेनिंग टू शिप, जो शिप से रिलेटेड होता है, भेड़ से, उसे ओवियन कहते हैं, ओवियन। केनाइन मीन्स होते हैं जो मांस खाते हैं, केनाइन टिथ वाले, जैसे डॉग, डॉग को जनरली केनाइन कहते हैं। बोवाइन, कॉ जैसे जो होते हैं, जो गाय की तरह होते हैं, उसे बोवाइन कहते हैं। फिलाइन, फिलाइन का मीन्स होता है जो फिलाइन मीन्स जो कैट की तरह होते हैं, है ना, कैट लाइक, तो फिलाइन। ओवाइन जो शिप की तरह हो। होल एक्सकेवेटेड, एक्सकेवेटेड मीन्स खोदना, बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, जैसे चूहे या खरगोश जमीन के अंदर होल करके उसके अंदर रहते हैं ना, उसे कहते हैं बरो, BURROW, बरो। ठीक है, पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल, जो फ्री विल में बिलीव करता है ना, उसे क्या कहते हैं, लिबर्टेन, है ना, स्वतंत्रता। गार्डियन, जो गार्जियन जिसको हम लोग पढ़ते हैं, गार्डियन, रक्षक। टायरेंट मीन्स होता है निर्दय। ह्यूमैनिटेरियन, मानवता। स्मॉल पीस ऑफ मेटल दैट फ्लाई आउट फ्रॉम एन एक्सप्लोडिंग बॉम्ब, एक्सप्लोडिंग बम, बॉम्ब्स वगैरह से जब बॉम्ब फटता है तो उसमें से जो उसके छोटे छोटे पार्ट निकलते हैं उसे कहते हैं शार्पनल, शार्पनल ये वाला। ठीक है, फिलिंग्स, बुलेट, स्प्लिंटर नहीं। ऑल द आर्ट, बिलीव्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेस, तो उसे हम क्या कहेंगे, कल्चर होगा ना उसका, सिविलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। रिचुअल मीन्स होता है कर्मकांड। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट व्हेन वन इज अलोन, जब अपने आप में आप बात कर रहते हैं, करते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं सोलिलोक्वी, अपने सोल से बात करना। मोनोलॉग क्या होता है, देखा होगा आपने मूवी वगैरह में, या स्टेज शो पे जब कोई एक उसका कैरेक्टर, पात्र अपने आप में बात कर रहा होता है तो उसे मोनोलॉग कहते हैं। सिंगल की आवाज, वो खुद बोल रहा होता है, वो सोच नहीं होता, उस टाइम बोल रहा होता है। साइलेंस, जब कुछ बात नहीं हो रहा हो, शांति। डायलॉग, दो के बीच में होता है, डाई मीन्स दो, दो लोगों के बीच में परस्पर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्या, चूज द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम निकालना है। ओके, तो जो आपका पहला वर्ड है प्रोफाउंड, ठीक है, तो प्रोफाउंड मीन्स होता है बहुत ही बड़ा, डीप नॉलेज, तो क्या होगा उसका उल्टा, सुपरफिशियल। ऑब्स्क्योर, अननोन, हिडन, छुपा हुआ, इंटेंस, बहुत ही खतरनाक, इंटेंस हीट जैसे कहते हैं। गैरुलस, गैरुलस का मीनिंग होता है जो काफी टॉकेटिव होता है, बोलता रहता है, तो टॉकेटिव तो सिनोनिम हो जाएगा, फ्रेंक भी लगभग सिनोनिम हो जाएगा। इनलाइटन मीन्स होता है शिक्षा प्राप्त करना, जैसे बुद्धा इनलाइटन प्राप्त किए। टेसिटर्न, टेसिटर्न मीन्स जो बहुत कम बोलते हैं, टेसिट होते हैं। फ्रुगैलिटी, फ्रुगल मीन्स होता है जो बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, सोच समझ के पैसा जिसमें इंपॉर्टेंट हो उसी में खर्च करता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, जेनरोसिटी, जो बहुत पैसे खर्च करता है। थ्रिफ्ट का मीन्स कंजूस होता है। डिग्रेडेशन मतलब किस चीज का, किस चीज की क्वालिटी कम होना। प्रोवाइडेंस, प्रोवाइड करना, प्रोवाइडेंस उसी से बना है। एक्सट्रेनियस, ठीक है, एक्सट्रेनियस मीन्स होता है ऐसी चीजें जो एक्स्ट्रा हो, इंपॉर्टेंट नहीं हो, रिलीवेंट नहीं हो, तो उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट, रिलीवेंट। अनयूजुअल मतलब जो व्यवहारिक नहीं हो। डिस्पिरिटेड मीन्स जो हताश हो। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव मीन्स होता है ऐसी चीजें जो इंटरनल चीजों से बनी हो, इंट्रूसिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट रॉक, वो एक इंट्रूसिव रॉक है, वो जमीन के अंदर दबी रहती है और ग्रेनाइट बनती है, तो उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक, और जो बाहर आ जाता है उसे कहते हैं एक्सट्रूसिव। जैसे कि ग्रेनाइट तो इंट्रूसिव हो गया, ठीक है, ऐसा ही होता है। एक बसाल्ट, बसाल्ट का मीनिंग होता है जो बाहर आता है, ठीक है, तो बसाल्ट एक्सट्रेनियस रॉक है, एक्सट्रूसिव। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम फाइंड करना इट मीन्स। ठीक है, तो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, जो अननेचुरल हो, ठीक है, ये अग्रेसिव, गुस्से वाला आदमी। यूनिक, आप समझते हैं, जैसे ताजमहल एक यूनिक बिल्डिंग है। इनफॉर्मल, जो फॉर्मल का मीन्स होता है ऑफिशियल, इनफॉर्मल, अनऑफिशियल। वेनल, वेनल का मीनिंग होता है जो करप्शन करते हैं, तो करप्ट। कंप्रिहेंसिबल, जिसको छोटा किया जा सके। लेजिबल, लेजिबल जिसको पढ़ा जा सके, लेजिबल। फॉर गिवेबल, जिससे क्षमा किया जा सके। कंजरर, कंजरर कौन होते हैं, जो आपने देखा होगा मैजिशियंस होते हैं, जो बॉल्स, बहुत सारी बॉल्स को एक साथ उछालते हैं ऐसे, ठीक
ठीक है, तो मैजिशियन, कंजरर, जेस्टर, ट्रिक्स्टर, परफॉर्मर नहीं, इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है जिसमें आपका लिखा होता है कि कौन सा सामान आपने कितने का लिया, तो स्टेटमेंट है वो, ना लैंग्वेज साउंड वर्ड नहीं है। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट का मीनिंग होता है किसी के दुख दर्द को कम करना, अच्छा करना, उसके पोजीशन को डेवलप करना, इम्प्रूव, एमिलियोरेट। डिग्रीड मतलब किसी चीज की क्वालिटी कम होना, डिग्रीड होना, कम होना, रिड्यूस होना। मोटिवेट और अग्री का मीनिंग आप जान रहे हैं, ठीक है। चलिए अब पैसेस पे आते हैं। तो पैसेस करने का मैंने आपको तरीका ये बता रखा है कि पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है क्वेश्चन। द यंग मदर हैड टू वर्क इन ऑफिस। यंग मदर को ऑफिस में क्यों वर्क करना पड़ता था। द वर्ड फैसिलिटी इन सेंटेंस रेफर टू हर, क्या फैसिलिटी क्या रेफर करता है। द वर्ड फैसिलिटी इन सेंटेंस रेफर टू। द मदर स्टॉप कमिंग होम फॉर लंच बिकॉज, लंच के लिए घर क्यों नहीं आती थी वो। द सेंटेंस इफ आई हैड मनी आई वुड नॉट हैव डन इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है कि पैसे होते तो मैं नहीं करती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जज मिस्टर हैरिसन हॉल इज करेक्ट। हैरिसन हॉल के बारे में क्या करेक्ट है। चलो अभी हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते, पैसेस पढ़ते एक बार, ठीक है। देखो, अ 23-year-old ब्रिटिश वुमेन वॉज यस्टरडे सेंटेंस 6 month जेल दिया गया इसको फॉर लीविंग हर 2-year-old डॉटर होम अलोन, घर में अकेले छोड़ने की वजह से। 8 hours a day, 5 days a week फॉर अ ईयर वाइल सी वेंट टू वर्क। द यंग मदर फ्रॉम द सेंट्रल टाउन ऑफ वार्विक इनिशियली हायर्ड अ बेबी सिटर व्हेन सी लैंडेड अ जॉब इन अ ट्रैवल एजेंसी, बट इवेंचुअली रीच द पॉइंट व्हेन सी कुड नॉट, नो लॉन्गर अफोर्ड द फैसिलिटी, प्रोसिक्यूटर्स सेड। जो प्रोसिक्यूटर्स मीन्स होता है जो प्रोसिक्यूट करते हैं, एडवोकेट को कहते हैं प्रोसिक्यूटर। द वुमन देन स्टार्टेड लीविंग द चाइल्ड अलोन, छोड़ दिया उसने हर सेल्फ, प्रोवाइडिंग इट विद फूड एंड टॉयज एंड रिमूविंग ऑल पोटेंशियली डेंजरस ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रीच। जो भी डेंजरस सामान है वो हटा दिया करती थी उसके रीच पहुंच से। एट फर्स्ट द मदर केम होम एट लंच, पहले वो लंच में आती थी टाइम पे, बट हैड टू स्टॉप बिकॉज, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर डॉटर थ्रू टेंट्रम एवरी टाइम सी लेफ्ट टू गो बैक टू वर्क। क्योंकि जब भी वो फिर से वापस जाती थी लंच के बाद तो वो बहाने, टेंटर मीन्स बच्चों वाले बहाने कर ले रख जाती थी, मम्मा मत जाओ, मम्मा मत जाओ, ऐसे। द मदर वॉज सो, द मदर हु वॉज नॉट आइडेंटिफाइड टोल्ड द कोर्ट, उसने क्या कहा, इफ आई हैड मनी, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई वुड नॉट हैव डन इट, इट वॉज अ केस ऑफ दैट और नॉट कीपिंग माई जॉब एंड लिविंग ऑन बेनिफिट। द जज मिस्टर हैरिसन हॉल हाउएवर सेड, हैविंग हैड अ चाइल्ड द एब्सोल्यूट प्रायोरिटी इज टू लुक आफ्टर इट। यदि आपके पास बच्चे हैं तो आपकी प्रायोरिटी बनती है उसकी, आप देखभाल करें, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। देयर मस्ट बी एन ऑल्टरनेटिव टू लीविंग अ चाइल्ड अलोन ऑल डे, अ थिंग यू वुड नॉट डू इवन टू अ डॉग। आप ये ऐसा डॉग के साथ भी नहीं कर सकते कि एक बच्चे को आपने अकेले छोड़ दिया है, ये हैरिसन ने कहा। अब देखो, द यंग मदर हैड टू वर्क इन ऑफिस 40 hours a week, 8 hours a week, 48 hours a week, ऑल द 7 days। तो ये पहले सेंटेंस में ही था, यहां देखो 8 hours a day है ना, तो 5 days a week, तो 8×5=40, 80, 40 hours हो गया ना, तो 40 hours a week फर्स्ट में लगा दो आंसर, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ। द वर्ड फैसिलिटी इन सेंटेंस रेफर टू, फैसिलिटी का क्या मीनिंग है। हर जॉब इन ट्रेवल एजेंसी नहीं, लिविंग इन अ वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट नहीं, गेटिंग एडिक्वेट सैलरी नहीं, इंप्लॉइंग समवन टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। हाँ, वर्ड फैसिलिटी यही था कि वो अपने चाइल्ड के देखभाल के लिए किसी को पहले इनिशियली उसने रखा था। द मदर स्टॉप कमिंग होम फॉर लंच बिकॉज, क्योंकि वो टेंट्रम करती थी बच्ची, उसकी बहाने करती थी है ना। हर हाउस वॉज फार अवे फ्रॉम हिज ऑफिस, हर ऑफिस नहीं, सी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हर एंग्री बेबी, ये हो सकता है लेकिन आगे देखते हैं इसे कोई बेस्ट ऑप्शन मिले। सी हैड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर टू अर्न, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग आफ्टर द बेबी, नहीं नहीं ये नहीं था। तो मतलब वही टेंट्रम, उसके गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, वो गुस्सा होने लग जाती थी, हरकतें करने लग जाती थी, पंतियां करने लग जाती थी, इसीलिए मामा को प्रॉब्लम होती थी। द सेंटेंस इफ आई हैड मनी आई वुड नॉट हैव डन इट मीन क्या है। आई हैड मनी एंड सो आई डिड नॉट, देखो इसका क्या मीनिंग है। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं ऐसा नहीं करती, ठीक है। इसका मतलब उसके पास
पैसा नहीं था और उसने वैसा किया, मतलब उसने बच्चे को अकेले छोड़ दिया. आई हैड मनी एंड सो, नहीं ये तो नहीं होगा ना. आई हैड मनी एंड सो आई लेफ्ट द बेबी अलोन, नहीं ये भी गलत, ये भी गलत. आई हैड नो मनी एंड सो आई लेफ्ट द बेबी अलोन, ये ठीक है कि पैसा नहीं था इसलिए मुझे उसे अकेला छोड़ना पड़ा. आई हैड नो मनी एंड सो आई डिड नॉट लीव द बेबी अलोन, नहीं नहीं ये तो रॉन्ग है. 50 पे आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जज मिस्टर हैरिसन हॉल इज करेक्ट, हैरिसन हॉल के बारे में क्या करेक्ट है इसमें से. ही कैन टॉलरेट क्रुएलिटी टू अ चाइल्ड बट नॉट अ एनिमल, उसने तो एनिमल और चाइल्ड दोनों के लिए कहा था ना, तो रॉन्ग है. लास्ट लाइन में कहा था ही कैन टॉलरेट क्रुएलिटी टू एनिमल, नहीं ही कैन टॉलरेट क्रुएलिटी बोथ, नहीं ही कैन टॉलरेट क्रुएलिटी, ही कैन टॉलरेट क्रुएलिटी नाइदर टू चिल्ड्रेन नॉर टू एनिमल, दोनों के लिए कहा था ना उसने, कहा था कि बच्चे क्या इवन डॉग को भी आप नहीं छोड़ सकते, तो यही होगा आंसर. ठीक है 51 पे आ जाइए. 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75, कहता है 18% ऑफ विच नंबर, तो 18% ऑफ विच नंबर मतलब एन का कोई नंबर है इज इक्वल टू 12% ऑफ 75. 12% ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 75, काट पीट दो. 6 दूनी 12, 6 3 18, 25 3 75, 25 दूनी 50, फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है सेकंड पे आ जाओ. क्या कहता है 1.4 एक्सप्रेस एज परसेंट ऑफ का, जिसका कहता है वो हमेशा नीचे 1.9 और 1.14 ऊपर इंटू 100% बनाने के लिए. ये पॉइंट हटाओ, 00 लगाओगे ये 0 कट गया, और ये पॉइंट हटाओगे ऊपर एक 10 आ जाएगा. 19 6 114, 60. नेक्स्ट पे आओ 53 पे. 60% ऑफ ए इक्वल टू 3/4% ऑफ बी, 60% कितना होता है देखो. 60/100 जीरो जीरो कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10 ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी, ठीक है ना. देन ए रेशियो बी आपसे कह रहा है फाइंड करो, ये कट जाएगा ठीक है ना, 4 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, ठीक है. ये आ जाएगा 4a इक्वल टू 5b, तो a के सामने क्या दिख रहा है 5, b के सामने क्या दिख रहा है 4, 5:4. इफ 30% ऑफ a एडेड टू 40% ऑफ b, कह रहा है 30% a का ऐड कर दें 40% ऑफ b के साथ, तो आंसर आएगा 80% ऑफ b. परसेंट 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 उड़न छू, 0 0 भी उड़न छू, तो क्या बचा, तो बचा आपके पास दिस वन. अब बी को उधर ले जाओ तो 3a इक्वल टू क्या आएगा 4b. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, ए इज 4 एंड बी इज 3, 4:3. बट द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए यानी 4 का 3 इंटू 100, 4 से काटोगे 25, 25 थ्री जा 75%. इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में 70% ऑफ द कैंडिडेट पास इन इंग्लिश. देखो ये वाले क्वेश्चन में मैंने बताया ना आपको 100 लिखते हैं माइनस 70% इंग्लिश में पास हो गए, सॉरी मैथ्स में पास हो गए, किस में पास हो गए इंग्लिश में, 80% मैथ्स में. और वो अब यहां पे लिखते हैं जो दोनों में पास हो गए, तो ये कहता है 10% फेल, तो फेल वाले यहां आएगा ना, यहां पे पास वाले होते तो यहां फेल वाले, जो दोनों में फेल है 10%. तो अब पहले निकालो कि कितने परसेंट बच्चे पास हुए दोनों में, 100 और 8 7 15, 150 + x - 50, उधर जाके +50 x = 60%. 60% ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों विषयों में पास हो गए हैं. 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट. इफ 144 कैंडिडेट पास इन बोथ सब्जेक्ट, जो 60% पास हुए, नंबर कितना है इनका 144. कहता है टोटल कैंडिडेट बताओ, तो टोटल कैंडिडेट साहब 100 होगा ना, 100%. तो 60 को 100 बनाने के लिए क्या करोगे, 100/60 से मल्टीप्लाई. तो आप यहां भी कर दो 144 में, 144 100/60, ये गया 6 दुनी 12, 6 चौकी 24, 240 स्टूडेंट टोटल. 55 पे आ जाओ. द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट, कम हो रहा है 5% एवरी ईयर. इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज दिस वन, द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर विल बी, फ्यूचर में क्या हो जाएगा. देखो प्रेजेंट में इसका वैल्यू ये है ठीक है. अब ये 5% डेप्रिशिएट होता है, मीन्स कम होता है. 5% 1/20 यानी 20 पे एक कम 19 हो गया पहले ईयर, सेकेंड ईयर भी ऐसा ही हुआ, 20 पे एक कम होके 19, काट दो 0 0 गया ठीक है. फिर 2 से काटो, 2 1 जा
और ये फिर टू से काटो, 2 5 जा 10 00, 19 19 19 361 ना इंटू 500, तो 5 कम 5, 6 5 30, 3 5 15 और 3 18, और ये 00, 1805 00A। नेक्स्ट आ जाओ। फिफ्टी सेवेंथ का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच। एक घर और एक दुकान दोनों 1 लाख पे बेचे गए, एक एक लाख पे। सीपी लिख लो, क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य। इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल रिजल्टेड इंटू 20% लॉस। घर पे 20% का नुकसान हुआ है। 20% आपको बता रखा है मैंने, 1/5 होता है, यानी 5 की चीज को उसने लॉस करके 4 में बेच दिया। यानी इसको लाख में पढ़ो क्योंकि लाख में सब बोल रखा है इसने, 5 लाख की चीज 4 लाख में बेच दिया। और दूसरा वाला 5 लाख की चीज दुकान जो है वो 20% प्रॉफिट में बेचा है, 6 लाख में बेचा, कर दिया। अभी जो कहता है कि दोनों को 1 लाख, प्रत्येक को 1 लाख में बेचा है ना, ये 4 और 6 लाख आ गया, 1 लाख बनाओ इसे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ऐसा। तो 4 से डिवाइड कर दो इसको 6 से, तो वहां 4 से किया तो यहां भी 4 करो, और यहां यहां 6 किया तो इस साइड भी 6 से करो। तो ये कितना आ गया, 2 लाख। और ये कितना, मतलब आपने बेचा 2 लाख में, खरीदा कितने में था, 5/4 लाख प्लस 5/6 लाख, कितना आ जाएगा, 12, 4 तीय 12, 5 तीय 15, प्लस 6 दूनी 12 10, 25/12 लाख में आपने खरीदा और 2 लाख में बेच दिया। कौन सा नंबर बड़ा है बताओ, 12 दूनी 24, ये बड़ा है ना, यानी जिसमें खरीदा था वो बड़ा है और जो बेचा है कम में, तो लॉस हो गया ना। कितने लाख का लॉस हो गया, 25/12 लाख में से 2 लाख माइनस करो, तो 12 दूनी 24, 25 में से 24 किया, 1/12 लाख का आपको नुकसान हो गया। अ मैन सोल्ड टू चेयर एट 1200 ईच। दोनों को 1200 पे बेचा है, एक पे उसे 20% गेन हुआ है यानी 5 की चीज उसने 6 में बेचा है, और दूसरे पे 20% का लॉस हुआ है यानी 5 की चीज उसने 4 में बेच दिया है, और दोनों को 12 12 हजार में बेचा है। तो मुझे इसको 12 हजार बनाने के लिए 2 हजार से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 3 हजार से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 12 12 24 हजार रुपए उसके जेब में आ गए। और उसने खरीदा था इसका मतलब 2 हजार यहां भी मल्टीप्लाई करो, ये 10 हजार में, और ये 3 हजार यहां करोगे तो 15 हजार, यानी 25 हजार रुपए में उसने टोटल खरीदा था सामान। तो 25 हजार की चीज 24 हजार में बेच दिया, 25 हजार पे 1 हजार बंदे का नुकसान हो गया, इंटू 100, 1/25, 4% होता है, 4% लॉस हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा लॉस ही होता है वैसे। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ द सुगर, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, यानी 100 से 80 हो गया। तो अब क्या होगा, वो दुकान जाएगा, दुकान वाला कहेगा भाई साहब 80 रुपए दो, वो कहेगा मेरे पास 100 रुपए हैं, तो कहेगा भाई साहब 20 रुपए की ज्यादा चीनी ले लो, तो काटो इसे 1/4। इसका मीनिंग क्या, अब उसके पहले वो चार, इसका मीनिंग ये हमेशा नीचे ओरिजिनल होता है कि पहले वो 4 किलो चीनी लेता था तो उसे अब 1 किलो ज्यादा मिल रहा है क्योंकि अब उसके पास पैसे ज्यादा हैं, प्राइस कम हो गया है। लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं, 5 किलो चीनी ज्यादा ले रहा है वो, एक नहीं इसको 5 बना दो, 5 से मल्टीप्लाई करके यहां भी 5, यानी 5/20। तो पहले उसे कितना किलो मिलता था, 20, अब कितना मिलेगा, 20 + 5, 25। ओरिजिनल कंजम्पशन पहले मिलता था 20 kg, प्रेजेंट कंजम्पशन 5 किलो ज्यादा मिलेगा, 25 kg। पूछा क्या है, फाइंड द प्राइस ऑफ द सुगर पर किलो बिफोर रिडक्शन। तो पहले 20 किलो मिलता था, 20 किलो कितने रुपए में मिलता था, 600 रुपए में, पहले भी 600 और अब भी 600 रुपए ले जाता है, तो 600 डिवाइड करो, गया 30 30 रुपीज पर किलो। नेक्स्ट, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 5 पर रुपी। क्वांटिटी और प्राइस वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप क्वांटिटी प्राइस से करो। देखो जब उसने खरीदा तो कहता है कि कुछ वस्तुओं को, 5 वस्तुओं को 1 रुपए में खरीदा, और जितना इस रेंज में खरीदा ना उतना ही उसने 4 का 1 रुपए में खरीदा। मतलब जैसे नींबू वाले केयर करते हैं ना बेचने वाले, कुछ अच्छी चीजें खरीद लेते हैं जैसे 5 रुपए में एक, कुछ गंदे चीज खरीद लिया और कुछ अच्छी नींबू खरीद ली, 4 4 नींबू 1 रुपए में, दोनों को मिक्स करके बेच दिया। अब कहता है ये जो दोनों, ये प्राइस रेंज है, अभी कहता है इन दोनों को इक्वली उसने खरीदा है, तो इक्वल करो इसको, जब उसने कह रखा है कि इक्वली खरीदा है तो इसने टोटल रुपए कितने लगा दिए, 414 515, 9 रुपए लगा दिए, और चीजें कितनी उसने खरीद ली, 5 4 20 20 40 चीजें खरीदी 9 रुपए में। अब जब सेल करने की बारी आई तो क्या किया उसने, इन दिस द टाइप एंड सोल्ड द रेट ऑफ 942, मतलब जब बेचता है तो 9 चीजें 2 रुपए में बेचता है। अब आपको मैंने क्या सिखाया था क्वांटिटी प्राइस में, कि जितनी कॉस्ट वाली क्वांटिटी होगी उतनी सेलिंग प्राइस, या तो आप क्वांटिटी इक्वल कर लो या प्राइस इक्वल कर लो,
लेकिन इसमें हमें क्वांटिटी निकालना है, तो इसको इक्वल कर लो, इसको इक्वल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे 3 रुपये लॉस भी कह रहा है वो। तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 40 से कर दो, यहाँ भी 9 से करो, यहाँ भी 40 से करो। तो देखो 81 रुपये में उसने खरीदा और 40 दुनी 80 रुपये में बेच दिया, कितने का लॉस हो गया? 1 का। लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं, 3 रुपये का लॉस, 1 को 3 बनाओ, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 हर जगह मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा। तो उसने कितनी क्वांटिटी खरीदी? इतनी खरीदी, 9 3 27, 27 चौके 108, 27 3 4 108 होता है, और ये वाला 0, यानी उसने 1080 चीजें खरीदी। लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ शोरूम इज 2000, ये एमआरपी है, लिस्ट प्राइस मींस एमआरपी, ठीक है ना, अंकित मूल्य। एंड इट इज बीइंग सोल्ड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। तो पहले 20% छोड़ दो, यानी 5 की चीजें उसने 4 में कर दी, और फिर 10% छोड़ दो, 10 की चीज 1 कम 9 में। अब डिवाइड कर दो, 0 0 गया, 5 4 20, 0 4 6 16, 16 निम 9 6 54, 144 होता है ना, और 0 1440 है क्या? सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू सक्सेसिव डिस्काउंट को हम कैसे इक्विवेलेंट में लिखते हैं? तो मैंने आपको बताया ना ऐसे, पी क्यू माइनस पी क्यू अपॉन 100%, ऐसा। देखो कहाँ पे है, एक्स वाई तो है ही नहीं, तो ये कहाँ से आ गया, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, हम ये रहा। द सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 5200 इन 5 ईयर। देखो कुछ रुपए है, किस इंटरेस्ट पे देखना, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो कुछ रुपए 5 ईयर्स में 5200 रुपये हो गए, और यही रुपए 7 ईयर्स में कितना हो गया, 5680। तो यहां से यहां तक क्या हुआ, 2 साल। तो 2 ईयर में ये कितना इंक्रीज होता है देखना एक बार, 084, 480 रुपये 2 ईयर में इंक्रीज हुआ। तो 1 ईयर में कितना इंक्रीज हो रहा है, 240 1 ईयर में। तो यहां 5 ईयर तक मिला है ना 240 रुपीज, 240 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, 0 5 6 20, 2 5 2 10 2 12, यानी 1200 इसमें इंटरेस्ट मिला हुआ है उसको, यानी 4000 रुपए उसका प्रिंसिपल था। अभी हमें निकालने के लिए क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 4000 रुपए लगा के 1 साल का इंटरेस्ट 240 रुपए मिलता है इंटू 100, 4 6 24, 6%। नाउ ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ दिस ईयर बिकम दैट मच। कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे इतने साल में, ठीक है, एक धन इतना हो गया ऑफ द सम अपने का। देखो वर्ष के किसी धनराशि पर साधारण ब्याज इतने वर्ष के अंत में मूल धन का, तो जिसका कहता है ना ऑफ, वो नीचे, यानी जो वो सम है प्रिंसिपल, वो 8 रुपए है, और 3 रुपए इसको इंटरेस्ट मिला है। कितने ईयर में, 6 4 20 + 1 25/4, 6 24 25। तो आपसे कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, तो आप लिख दो भाई, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर फाइंड करना है, और टाइम 25/4 है आपके पास, और नीचे 100 होता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। ये 4 से 4 उड़न 6 हो गया, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 25/2 12.5% है, नहीं है, क्या गलती हुआ, 8/3, अरे ये 3 रुपये है ना इंटरेस्ट, 8 रुपये, 3 रुपये इंटरेस्ट मिला ना, मैंने यहाँ भी कर दिया, ओहो 3 रुपये इंटरेस्ट मिला है, 8 × r × 25/4 टाइम है, × 100, 25 चौके 100, 4 दुनी 8, 2 दुनी 4, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 6 6%। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 साल का ग्राफ बना लो, ऐसे बनाते हो ना, एक्स एक्स वाई 10% पे, तो 10% 1/10 होता है, मैंने आपको सिखाया है कि ये 1 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, और यहाँ 100 आएगा, उल्टा मल्टीप्लाई। कहते हैं जो डिफरेंस है वो ये है, ये होना चाहिए कितना पर एनम, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹300, ये 300 होना चाहिए डिफरेंस। तो 1 को 300 बना लो, 300 से मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल में भी कर दो, तो 30,000 हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। द सम ऑफ मनी पेड बैक टू एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज दैट मच, इतने के दो जो है दिए गए हैं किस्त, और 5% कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कितना धन उसने लिया था, बोरो किया था, ये निकालना है। देखो 5% पे 2 साल का जो इंस्टॉलमेंट है 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे लिखते हैं, देखो 20% 1/20 होता है ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 20 अपॉन, दोनों को ऐड कर दो, 21 सेकेंड ईयर,
दोनों का ऐड करो 20 और 21 को, तो 41 नीचे 21 ही रहेगा, इनटू ईच इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट कितना है, इतने का, इक्वल टू जितना आपने बोरो किया, प्रिंसिपल उधार जितना लिया। अब बस हमें इसमें काटपिट मचाना है, यदि आप इसे काटेंगे तो क्या आना चाहिए, काटो इसे फिर, तो 7 21, 7 से काट दिया मैंने, 7 2 14 3, 7 5 35, 7 2 14 0, 5 4 9 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 4 12 0, 7 से काट दो, 7 21, ये सीधा 4 से काट दो ना, 21 4 84 होगा ना, 4 कम 4 और 4 2 8 21 4 84, ठीक है कट गया। तो आया क्या, 20 4 80 इंटू 41, तो 8 कमन 8, 8 4 32 और ये 0, ठीक है, और 3 2 8, एक 0 कौन सा रह गया, अरे ये वाला 0 रह गया ना, 0 3 2 8 00, 3 2 8 00। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निकिता बॉट 30 kg ऑफ वीट एट द रेट ऑफ 9.5 रुपीज पर केजी। देखो 30 किलो 9.50 के हिसाब से उसने खरीदा है, और 40 kg वीट इसके हिसाब से खरीदा, यानी 40 किलो को तुम 8.50 से मल्टीप्लाई कर दो पर केजी, एंड मिक्स देन। शी शोल्ड द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 8.90 के रेट से वो बेच देती है मिक्सचर को, तो 70 किलो मिक्सचर हो जाएगा ना, तो इसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो आप जब इसको ऐड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 3 15, 1 9 3 27, 28 00, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे आएगा, छोड़ो उसको। अब इसको करो तो 5 6 20, 2 8 6 32, 2 34, 00, और पॉइंट आएगा 2 के बाद, तो ये गया 340, तो रुपये उसने लगा दिए इतने, 5 8 4 12, 3 2 5 1 6, और 9 7 63, 6 8 56, 56 और 6 62, और 00, तो 00 का तो पॉइंट ही लग जाएगा, तो 623, कितने रुपए का लॉस हो गया, 2 रुपए का लॉस हो गया, लॉस ऑफ 2 रुपीज। 729 ml ऑफ द मिक्सचर, देखो मिक्सचर है जिसमें 729 ml है, ठीक है, मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:2, मिल्क एंड वाटर 7:2 में है। हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड, इसमें कितना और वाटर एड कर दिया जाए कि ये रेशियो इतना हो जाए मिल्क एंड वाटर। तो 1 रेशियो एड हुआ है ना, 7 2 9, तो पहले 9 रेशियो जो था वो 729 था, 729, तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 81, तो एक ही रेशियो तो एड हुआ है, देखो 1 रेशियो एड, तो 81 हो जाएगा ml। 10 kg ऑफ वीट प्राइस एट रुपीज 10 kg 8 रुपए के हिसाब से 80 रुपए हो गया। मिक्स किया गया 15 kg वीट के साथ जिसका प्राइस था 10, तो 150 रुपए हो गया। व्हाट इज द एवरेज प्राइस, तो दोनों को ऐड करो, 150 और 30, 150 और 50, 200 230 रुपए हो जाएगा, और टोटल एवरेज निकालना है तो टोटल केजी कितना हो गया, 25 kg, 25 से डिवाइड कर दो, 25 निम 225, 225 पांच बचेगा, 25 2 50, 9.2। ए मैन लीव्स दैट मच टू बी डिवाइडेड अमंग 5 son, 4 daughter एंड 2 nephews, ठीक है ना, अ मैन लीव्स 8600 टू डिवाइड अमंग, 8600 रुपये उसने छोड़ा, ठीक है, कि 5 son को देना है, 4 daughter को देना है और 2 nephew को देना है, ठीक है। फिर ये क्या कहता है, ईच डॉटर जो उसकी बेटियां हैं, एक बेटी को मिलता है 4 times एज मच एज नेफ्यू, जितना नेफ्यू को मिलता है उसका 4 times, और सन को मिलता है 5 times ऑफ द नेफ्यू, ये बोल दिया इसने, ठीक है, नेफ्यू को मैंने ले लिया एन। तो देखो नेफ्यू तो इतना ही रहेगा, डॉटर को हमें नेफ्यू में चेंज करना है क्योंकि डॉटर इक्वल टू नेफ्यू है ना, तो 1 daughter 4 nephew, यहां तो 4 daughter है, यहां 4 multiply करोगे तो कितना आएगा, 16 nephew, तो इसको आप लिख सकते हो 16 nephew। ऐसे ही 5 son, 1 son 5 nephew के बराबर, तो 5 son 5 यहां मल्टीप्लाई करो, 25 nephew, ठीक है, तो टोटल नेफ्यू कितने हो गए, देखो ऐड करो, 25 16 2 43 nephew,
तो 43 नेफ्यू, ये सब किसके इक्वल हो गए, 43 नेफ्यू के इक्वल, और जिनको देना कितना है 8600, तो डिवाइड कर दो तो एक नेफ्यू पे कितना आएगा 200। तो कहता है बेटों किसको, हाउ मच डॉटर, डॉटर को, तो डॉटर को इसने कितना दिया है 16n, तो 16 और n की वैल्यू 200, ठीक है। और ईच का बोला ना, हाउ मच ईच डॉटर, तो चार डॉटर है ना, चार से डिवाइड कर दो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 800 रुपये। आगे आओ, द रेशियो ऑफ एज ऑफ टू बॉयज, द रेशियो ऑफ एज ऑफ टू बॉयज, बॉय वन रेशियो बॉय टू, क्या है 5:6। आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद, द रेशियो ऑफ दियर एज, उनका एज का रेशियो क्या हो गया आफ्टर 2 ईयर, सॉरी आफ्टर 2 ईयर्स 7:8 हो गया आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। तो कहता है आफ्टर 12 ईयर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखो एक रेशियो इंक्रीज हो रहा है, 6, 5, 2, 7, 2 रेशियो, और यहां भी 2 रेशियो, ठीक है। तो 2:2 के बराबर, तो 1:1, तो 12 साल के बाद इसमें 12 ऐड होगा, तो ये 17 हो जाएगा, और ये 12×6 18 हो जाएगा, 17:18, 17/18 ये 71 हो जाएगा आंसर, 72। देखो 6200 को हमें डिवाइड करना है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 में, ठीक है। तो इसको रेशियो में डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, इक्वल करोगे नीचे, ये जो 235 है, तो 235 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो यहां 15 से करोगे, यहां भी 15 से, तो आएगा ऊपर वाला लेते हैं, नीचे वाला इक्वल होकर कट जाएगा, ये 30 करना है तो ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसको 30 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां भी 6 कर दोगे, ये रेशियो, ये आ गया ए बी सी का रेशियो, ठीक है। इस रेशियो में बांटना है, तो टोटल रुपए कितने होंगे देख लो, 25, 5, 30 और 1, 31 रुपए, लेकिन टोटल होने चाहिए 6200, तो 31 दूनी 62, 200 यहां भी, 200 सॉरी 200 यहां भी और 200 यहां भी, तो किसका पूछा है इसने, सभी का पूछा है, तो 15 दूनी 30, 3000 इसको मिल जाएगा, 3000 वाला एक ही ऑप्शन ही है ए। आगे आ जाइए, इन अ बैग, एक बैग है जिसमें 372 रुपीज है, ठीक है, जो 1 रुपए का है, 50 पैसे के सिक्के हैं इसमें और 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनका रेशियो दे रखा है, नंबर का रेशियो कितने सिक्के हैं, 3:8:20, हमें बताना है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, तो इसको रुपए में कन्वर्ट कर लो, 1 रुपए के 3 सिक्के 3 रुपए, क्योंकि यहां बैग में आपके पास रुपए है इसलिए रुपए में कन्वर्ट करना होगा, 8 सिक्के 50 पैसे के 4 रुपए, 25 पैसे के 20 सिक्के, 4 से डिवाइड कर दो 5 रुपए, तो 4×3 7×5 12 रुपए हो गए, जबकि होना चाहिए 372, समझ गए। तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 12 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 12×1 और 12×36 ना 31, 31, 12 से कैसे लाया मैं ये, 372 को 12 से डिवाइड करोगे 31 आएगा, यानी 31 यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो 31 हर जगह मल्टीप्लाई होगा। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सिक्के कितने, तो 20 और 8 28 2 30 31 सिक्के, उसमें 31 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये 31 हर जगह मल्टीप्लाई होगा, तो 31 का स्क्वायर आ जाएगा 961, नेक्स्ट, अ मिल्कमैन मेक 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क मिक्स्ड विद वाटर, वाटर के साथ मिक्स कर रहा है। देखो ये दोनों तरीके से हो सकता है, या तो आप ऑप्शन से चेक कर लो या प्रॉफिट लॉस से कर लो, एलिगेशन से देखो, तो 20% प्रॉफिट मिल्क पे था, बाय सेलिंग अ मिक्स्ड मिल्क मिक्स्ड विद वाटर एट 9 रुपीज पर लीटर, 9 रुपए पर लीटर मिल रहा है, मिल्क को बेच रहा है, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क, ओ 1 लीटर का कॉस्ट प्राइस 10 है, और वाटर का कॉस्ट क्या आएगा 0, जब दोनों को मिला के बेच रहा है तो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी 5 की चीज वो 6 में बेच रहा है, ठीक है, लेकिन उसका सामान कितना ही का है 10 का ना। द मिल्क मैन सेलिंग द मिक्सचर एट द रेट ऑफ, ये जो मिक्सचर को सेल कर रहा है वो 9 रुपए का सेल कर रहा है, तो इस 6 को 9 बताओ, बना लो 9/6 × 9/6, यहां भी कर लो, तो 3 × 2 = 6, 3×3 = 9, 5×3 = 15/2, 7.5, अब माइनस करके इसको यहां लिखोगे 2.5, और इसका डिफरेंस यहां 7.5, 25 से कम 25, 25 से 75, 3:1 आ जाएगा, ठीक है। यदि तुम ऑप्शन से करते तो भी आ जाता, देखो मिल्क इज टू वाटर, मान लो मैंने ऑप्शन 3:1 ले लिया, ठीक है,
तो 1 लीटर मिल्क ओरिजिनल कितने का है? 10 रुपए का, तो 3 लीटर 30 रुपए का आ जाएगा। जब वो मिला देगा इन्हें तो 4 लीटर मिल्क हो जाएगा उसके पास, और 1 लीटर को 9 रुपए के हिसाब से बेचेगा तो 36 रुपए, तो 30 रुपए लगा के 36 रुपए आएगा, यानी 30 पे 6 का प्रॉफिट, यानी 1/5 है ना, यानी 20% का प्रॉफिट आ गया ना, जो ये 20% का प्रॉफिट कहना चाह रहा है, इसलिए यही होगा आंसर। तब भी सेवेंटी फाइव पे आओ। देखो, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, तो मैं यहां पे ए लिख लेता हूं, यहां पे 6 डेज, वाइल बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट, बी 12 डे में कर सकता है। इफ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट द पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाई ए, तो वर्क ए कितना पोर्शन करता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ 12 ले लेता हूँ, वर्क 6 2 या 12, 12 एकम 12, तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे मिलके, 12 और 1 दिन का काम 3, 4 दिन में, तो 4 दिन तक दोनों काम करेंगे, तो ए कितना काम करेगा 4 दिन में, 8, कितने में से 12 में से कितना काम किया उसने, 4 2 8, 4 3 12, 2/3, 2/3 ये रहा, परसेंट में करना होता है 6 से 6 2/3% आ जाता। इफ 6 मैन एंड 8 बॉय, देखो 6 मैन प्लस 8 बॉय कैन डू अ वर्क इन 10 डे में करते हैं, और 26 मैन प्लस 48 बॉय कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में, तो हमसे पूछ रहा है ये 15 मैन प्लस 20 बॉय मिलकर इस वर्क को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, देखो जो मैन इंटू डे है मैंने आपको पहले भी बताया है वो वर्क होता है, तो ये दिन यहां यहां मल्टीप्लाई कर दो, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 मैन प्लस 80 बॉय वर्क, 10 10 मल्टीप्लाई कर दे, यही वर्क, ये वर्क भी दोनों इक्वल ही है, तो 26 दूनी 52, 52 मैन प्लस 48 2 जा 96 बॉय, राइट साहब। तो अब हमने करना क्या है कि मैन मैन को एक तरफ ले जाओ, तो 60 में से 12 माइनस करेंगे आप, देन यू विल गेट 12 मैन, और 80 को उधर ले जाइए, 16 बॉय, ठीक है, काट दीजिए, 4 3 12 है, 4 4 16 है, सो 3 मैन कितने बॉय के इक्वल, 4 बॉय के इक्वल। अब जो आपका गिवन है वो क्या गिवन है कि 15 मैन प्लस 20 बॉय मिलकर कितने दिन में करेंगे, अब इसे हमें कन्वर्ट करना होगा, या मैन मैन में कन्वर्ट कर लो या बॉय बॉय में कन्वर्ट कर लो, तो मैन को कन्वर्ट कर देते हैं बॉय में, देखो 3 मैन 4 बॉय, तो यहां पे 15 मैन होता, तो क्योंकि ये 15 मैन है ना, तो 15 के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां भी करना होगा 5 से 20 बॉय, तो मैं 15 की जगह 20 बॉय लिख सकता हूं, प्लस 20 बॉय यानी 40 बॉय, हमें इसमें फॉर्मूला एक्चुअली लगाना है मैन इंटू डे, तो 40 बॉय कितने दिन में करेंगे, लेकिन यहां जो हमें गिवन है उसमें भी कहीं ये गिवन नहीं है कि अकेला बॉय कितने दिन में करता है, तो कोई भी एक ग्रुप ले लो, चलो पहला ग्रुप ले लिया मैंने, 6 मैन प्लस 8 बॉय 10 दिन में करते हैं, इस मैन को बॉय में कन्वर्ट करो, 3 मैन 4 बॉय, तो 6 करने के लिए 2 मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी 2, 8 बॉय, 8 बॉय प्लस 8 बॉय, ये 6 कैसे आया, 8 बॉय, देखो ये 3 है ना, हमें 6 मैन चाहिए, तो इस 3 को 6 कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, यहां भी 2 करो, 8 आ जाएगा, 8 बॉय और 8 बॉय 10 डे में, तो 16 बॉय जो है वो 10 दिन में करते थे पहले, तो मैन इन टुडे वाला फॉर्मूला लगा दो, 16 बॉय 10 डे में, तो 40 बॉय कितने दिन में करेंगे, 0 0 गया, 4 चौके 16, 4 आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 मैन और 12 बॉय, देखो 6 मैन या 12 बॉय, 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, तो 20 यहां भी करो, 20 यहां भी करो, तो ये तो कट ही जाना है, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, यानी 1 मैन आ रहा है 2 वीमेन के इक्वल, कहते हैं इन हाउ मैनी डेज 8 मैन प्लस 16 वीमेन कैन डू दिस वर्क, तो कन्वर्ट कर लो मैन मैन में या वीमेन वीमेन में, मैं वीमेन में कन्वर्ट कर लेता हूं, 1 मैन 2 वीमेन, तो 8 यहां पे होगा, तो 16 वीमेन, तो इस 8 की जगह मैं 16 वीमेन लिख सकता हूँ, प्लस 16 ये वाला, तो हमारे पास 32 वीमेन आ गया कि ये कितने दिन में करेंगी, तो लगा दो मैन इन टू डे। देखो पहले 12 वीमेन 20 दिन में करती थी, तो ये 32 वीमेन इस वर्क को कितने दिन में करेंगी, तो 4 3 12, 4 8 32, 4 2 8, 4 5 20, 15 बाई दो, कुछ रॉन्ग हो गया, एक बार देख लेते हैं फिर से, 6 2 जा 12, 8 मैन 16 वीमेन, ठीक है ना, तो 8 करूंगा तो 16 वीमेन, 32 वीमेन, तो पहले 12 वीमेन
20 दिन में करती थी, तो ये 32 वुमेन कितने दिन में करेंगी? 4 तिया 12 और 4 8 32, ठीक है? तो अब 4 2 4 2 8, 4 5 20, 5 3 15 बटे 2 आएगा। क्या कहता है, इन हाउ मैनी डेज कैन 8 मैन एंड 16 वुमेन डू एज बिग एज ट्वाइस। अच्छा ट्वाइस वर्क करना है इन्हें, तो ट्वाइस करना है, तो इसका वर्क पहले वाले ग्रुप का यहाँ और दूसरे वाले ग्रुप का मैंने आपको सिखा रखा है कि ऊपर लिखते हैं वर्क, तो ये 2 2 कट जाएगा, 5 3 15, 15 आ जाएगा। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर, ए 4 घंटे में भर सकता है, भरने वाला टैंक है। पाइप बी कैन फिल इन 6 आवर, तो बी को आप लिख दो 6 आवर। इफ दे ओपन ऑल्टरनेट आवर, ऑल्टरनेट आवर में किया जाए, 4 3 12 6 2 12, द टैंक सेल्फ फुल, कितने देर में फुल हो जाएगा? देखो पहले घंटे में ए चलेगा 3, दूसरे घंटे में बी चलेगा 2, तो भाई 2 घंटे में 5 लीटर भर गया ना, 2 घंटे में 5 लीटर, तो अगले 2 घंटे में फिर 5 लीटर भरेगा, तो 4 लीटर, 4 घंटे में कितना भर गया? 10 लीटर। अब आपका 2 लीटर रह गया और टर्न आएगा भरने का ए का, तो ए 3 लीटर भरता है, देख रहे हो, ये 3 लीटर पर आवर, तो 2 लीटर 2/3 में भरेगा, ठीक है ना? तो 4 घंटे ये और 2/3 आवर, ये क्या हो जाएगा, 4 + 2/3 आवर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अ ट्रेन पासेस 2 ब्रिज ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 10 सेकेंड एंड 60 सेकेंड, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन का लेंथ निकालना है, देखो तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 800 मीटर को उसने 100 सेकेंड में क्रॉस किया है, इसी स्पीड से लेंथ उसने 400 वाले को 60 सेकेंड में कन्वर्ट किया है, ठीक है? बस आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 60, या इसे हटा दो ना, ऐसे 0 0 काट दो, 2 5 10, 2 3 6, 3L, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3L प्लस 8 3 24 इतना इक्वल टू 5L प्लस 5 6 20, 2 0, ये L है, तो 3L यहाँ माइनस होगा तो 2L बचेगा, और ये 20,000 तो 4,000 यहाँ आ गया, 400 सॉरी, तो ये 200 आ गया ट्रेन का लेंथ, ठीक है? एक तरीका तो ये है। दूसरा सोचो, देखो 800 मीटर 100 सेकेंड में क्रॉस करती है वो ट्रेन, और 400 मीटर को 60 सेकेंड में, है ना? इसका मीनिंग ये है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 400, 400 को, ठीक है, 400 मीटर का डिफरेंस है ना, कि यहाँ भी 400 मीटर को उसने कितने में, इसमें लेंथ इंक्लूडेड है ना, ब्रिज का लेंथ, ब्रिज का लेंथ इंक्लूडेड है, शॉर्टकट इसका देखो ऐसे कर सकते हो, इसको शॉर्टकट यदि हम करना चाहें, लेकिन वो थोड़ा टफ ही हो जाएगा, मतलब हम यदि रेशियो में निकाल लें कि 800 और 400 का रेशियो, 4 कम 4, 4 2 8, ये आ गया इनके डिस्टेंस का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या है, ये 100 वो 60, तो 0 0 कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा, 2, यहाँ का डिफरेंस 1, हमें यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 और ये 2, तो 100 से काटा है तो 200, 200 का डिफरेंस है, यानी 200 ट्रेन की लेंथ है, लेकिन छोड़ो ये टफ हो जाएगा आपके लिए, आप इसी से करो। लेंथ हमेशा स्पीड इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस जिस चीज को वो क्रॉस करे, ब्रिज अपॉन टाइम, ठीक है ना? लेकिन यदि वो किसी मनुष्य को, किसी पेड़ को, किसी लाइन को, किसी पत्थर को क्रॉस करे, तो फिर लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम जो है ये स्पीड होता है, क्योंकि उन मैन का, साइकिल का, पॉइंट का, पोल का, इन सब का लेंथ नहीं लेते, ठीक है? क्योंकि ये नेग्लिजिबल होता है ट्रेन के लेंथ के सामने, छोटा होता है बहुत। 80 पे आ जाओ। अ ट्रक ट्रेवल 90 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1.5 आवर, आफ्टर दैट इट ट्रेवल 70 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रक टू ट्रेवल 310 किलोमीटर। देखो पहले डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, स्पीड इनटू टाइम, 2 1 2 1, 3/2, यानी 45 3 5 3 15, 1 4 3 12 1 13, 135 किलोमीटर तो इसने कवर कर लिया पहले, तो 310 में से कितना रह गया, अब 135 माइनस करो 5, 10 में से 3 गया 7, 2 में से 1 गया, 175 रह गया, ठीक है ना? तो इसको 70 के स्पीड से यदि वो क्रॉस करेगा, ठीक है, तो कितना लगेगा इसे, 7 2 14, 7 5 35, 7 0 0, 7 2 14, 3 7 5 35,
पाँच दूनी 10, 25, 2.5 घंटे ये, तो 2.5 घंटे ये लग गया और पहले ही से लगा था 1.5 घंटे, तो टोटल टाइम लग गया 4 घंटे। 81 पे आओ। टू मैन आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ ब्रिज। ये एक ब्रिज है 1200 मीटर लंबी, और एक इधर से इधर आ रहा है, एक इधर से इधर आ रहा है। दे वॉक टुवर्ड इच अदर बाई 5 मीटर मीटर पर मिनट, ठीक है ना, दोनों की स्पीड यही है, ठीक है। इन हाउ मच टाइम दे विल मीट इच अदर, कितने मिनट के बाद वो मिलने लग जाएंगे एक दूसरे से। तो टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है 1200 मीटर। और देखो मैंने आपको बताया था कि जब दो चीज़ें ऐसे एक दूसरे की तरफ आए तो स्पीड ऐड हो जाता है, तो 10 यानी 120 मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे और हैंडशेक करेंगे, बोलेंगे भाई कैसा है तू। नेक्स्ट, इन अ रेस ऑफ 100 मीटर, इन अ रे 100 मीटर रेस, कमल डिफीट बिमल बाय 5 सेकेंड। कमल डिफीट कर देता है बिमल को 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड से, मतलब बिमल 5 सेकेंड ज्यादा लेता है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द कमल इज 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में पहले कन्वर्ट कर लो, तो 5 बाय 18, ठीक है। तो कमल की स्पीड जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कमल कितना टाइम लेगा 100 मीटर दौड़ने में, 5 दुनी 10, 20 मिनट लेगा। इससे 5 मिनट ज्यादा लेता है बिमल, तो बिमल 100 मीटर को दौड़ने में लेता है 25 मिनट। तो स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में इसमें कन्वर्ट कर लो, 25 चौके 100, 18 चौके 72 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दुनी 10, 5 चौके 20, हाँ 5 चौके 20 ना, 14.4 आएगा। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज, स्पीड जो है दैट ऑफ द करंट, और करंट की स्पीड जो है और बोट की स्पीड, वो 36:5 है, ठीक है। द बोट गोज अलोंग द करंट इन 5 आवर 10 मिनट, ठीक है ना, 5 आवर 10 मिनट में वो जाती है करंट के अलोंग, 5 मिन 10 आवर। इट विल कम बैक, तो कम बैक कितने में होगा, ठीक है। देखो तो जब वो धारा की दिशा में आया अलोंग द बोट, तो उसकी स्पीड हो जाएगी क्या, दोनों ऐड हो जाएगा, 41 किलोमीटर पर आवर। और जब वो इसके अपोजिट जाएगा तो 5 माइनस होगा, क्योंकि रिवर से पीछे ले जाएगी करंट, तो 31, ठीक है। अब इस ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है 5 घंटे 10 मिनट, यानी कि 0 से डिवाइड कर दो इसको, मिनट में आर में कन्वर्ट कर दो, तो 5 प्लस 1 बाई 6 यानी 6 पंच 30 31, 31/6 घंटे में इस स्पीड से वो इस जगह पे पहुंचा। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो इस डिस्टेंस को इस स्पीड से कितने देर में कवर करेगा वो, डिवाइड कर दो इसको 31 से, तो 41/6 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो ना 31 से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इतने घंटे में कन्वर्ट चला जाएगा वो। तो कितना आ जाएगा ये, 6 पंजे 30, 6 छे 36 और 5 बाई 6, तो इतने घंटे में, तो 6 घंटे तो कंप्लीट, प्लस 5/6 को ना कन्वर्ट कर लो मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई करके 10, 6 घंटे 50 मिनट। नाउ इफ थ्री टाइम ऑफ अ नंबर, कोई एक नंबर है, इसका थ्री टाइम ऑफ अ नंबर एक्सीड इट्स 3/5, एक्सीड इट्स 3/5 एन के 3/5 से बाई 60, तो नंबर क्या है, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3, 15 में से 3 जाएगा तो 12n/5 = 60, 12 5 60, 5 25, ये रहा। नेक्स्ट 85, इफ डबलिंग अ नंबर एंड एडिंग 20 टू द रिजल्ट, देखो एक नंबर n है, इस नंबर को डबल कर दिया और रिजल्ट में 20 ऐड कर दिया, 20 टू द रिजल्ट, द सेम नंबर द सेम आंसर एज मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 8, मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 8 एंड टेकिंग अवे 4, और 4 माइनस कर देंगे। एक संख्या को दोगुना करने पर तथा परिणाम में से 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुना करने पर तथा परिणाम में 4 की कमी करने पर प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें,
देखो तो ये 2n यहाँ जाके माइनस होगा तो 6n, और ये 4 यहाँ आके प्लस हो जाएगा 24, 6 चौके 24, n कितना आ गया 4। सिक्स पे आ जाओ। अ मैन इंगेज द सर्वेंट ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे ₹90। देखो क्या कहा उसने कि वो ₹90 देगा प्लस एक शर्ट देगा, ठीक है। ही सर्व ओनली फॉर 9 मंथ, उसने 9 मंथ काम किया, ठीक है, तो उसे मिला क्या, ₹65 एंड अ शर्ट मिल गया, द प्राइस ऑफ द शर्ट, शर्ट का प्राइस आपसे ये पूछ रहा है। तो हमें करना क्या है, देखो मैथ्स के क्वेश्चन में ये है कि जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा कर दो, आंसर आ जाएगा। उसने देखो क्या कहा कि जब वो 12 मंथ काम करता है, 12 मंथ 12 महीने, तो उसको क्या मिलता है, ₹90 प्लस एक शर्ट, एस मान लिया शर्ट का प्राइस, तो 1 महीने का कितना मिलेगा, डिवाइड हो जाएगा 12 से, तो 9 महीने का कितना होगा, 9 से मल्टीप्लाई, तो उसको 9 महीने में इतने इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। काट दो इसको, 3 3 9, 3 चौके 12, मल्टीप्लाई कर लो, यानी 270 प्लस 3 शर्ट अपॉन 4 रुपए, समझ गए। तो यही कह रहा है वो, सो मिला कितना, ₹65 प्लस एक शर्ट मिला है, इसको मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो 5 चौके 20, 2 6 चौके 24, 25 26 प्लस 4s, ठीक है। तो देखो s यहां से माइनस होगा और ये इधर आके माइनस, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। फोर बाई फाइव ऑफ एन स्टेट, एक स्टेट मान लो कुछ रुपए का था, मान लो n रुपए का था, इसका 4/5 जो है वो है 16800, ठीक है। कहते देन द वैल्यू ऑफ 3/7 क्या कितना होगा, तो n का निकाल लो वैल्यू, 16800 इंटू 5/4, अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड मत करने लग जाना, इतना है इसका मुझे 3/7 निकालना है, एक साथ ही मल्टीप्लाई डिवाइड करो। देखो 4 चौके 16, 4 दुनिया 00, 7 से काटो, 7 6 42, 00, 5 3 15, 15 5 75, 15 6 90 और 00, ठीक है, तो बी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, यूनिट डिजिट निकालना है हमें अब। तो यूनिट डिजिट के लिए क्वेश्चन नंबर 88, हमें 7 का देखना होगा पावर साइकिल। देखो 7 7 7 जा 49, फिर 7 मल्टीप्लाई करेंगे 63, फिर 7 मल्टीप्लाई करेंगे 21, और फिर 7 आ जाएगा, मीन्स 4 बार में ये रिपीट होगा यूनिट डिजिट, 4 बार में। तो 7 5 4 पावर है ना, इसको 4 से डिवाइड कर दो और देख लो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 1 4, 3 5, 4 8 32, 3 4 4 8 32, 2 2 बचा, ठीक है। इसका मीनिंग 1 और 2, सेकेंड पॉइंट पे आना, सेकेंड डिजिट पे क्या आना चाहिए, 9, इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो 2 जो पॉइंट से पहले उसको लिख लो, उसके बाद ऐसे ब्रैक लगा दो ऑप्शन, क्या कहते हैं फ्रैक्शन, और ऊपर जो वैल्यू हो वो लिखो 8 7 6 8, और नीचे जितने के ऊपर बार है उतने 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0, और यहाँ पे माइनस भी होता है क्या, जितने के ऊपर बार नहीं है, यानी 8 माइनस होगा, तो क्या आएगा, 2 की 2 और 8 7 6 0 अपॉन 9 9 9 0, 0 से 0 कट गया, काट दो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 दूनी 6, तो 2 और 2 9 2/3 3, यानी बी ऑप्शन। चलिए अब हम 90 पे आ जाते हैं, कह रहे द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो जब भी इस तरह का रूट का क्वेश्चन हो ना, इंडिविजुअली दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 5 का 25 और इसका क्या होगा, 2 दूनी 4 और 6 24, और माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1, इसका मतलब 100% ऐसे केसेस में परमेयीकरण, रैशनलाइजेशन किया जाता है, इसको परमेयीकरण किया जाता है, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो पहले देखो इसको माइनस कर लो आप, तो अपॉन लिखोगे ऐसे, ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 1, और नीचे क्या आएगा, √5 प्लस 2 रूट 6 इसके अंदर। अब इसको रैशनलाइज कर दो किससे, रैशनलाइज करने के लिए, नहीं रैशनलाइजेशन ऐसे नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि रैशनलाइजेशन के लिए ये रूट नहीं होना चाहिए, छोड़ो इसे, दूसरा तरीका अपनाते हैं, हमें इस रूट को कैसे भी खत्म करना है, तो
तो स्क्वायर क्यों ना बना ले, ये स्क्वायर बन जाएगा क्या, देखते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा फिर, तो ये टू इंटू ए इंटू बी, सिक्स कॉम थ्री टू जा लिख सकते हैं, और तीन दो पाँच भी होता है, यानी रूट थ्री रूट टू लिख सकते हैं ऐसे। और देखो तो ये बन गया रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, देखो कैसे, रूट थ्री प्लस रूट टू इसका स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर, रूट थ्री का यदि आप स्क्वायर करोगे ये ए प्लस बी क्या है रूट टू, तो ये तीन और दो आएगा पाँच ही आ जाएगा, और ए टू ए बी ये आ जाएगा, मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, और उस स्क्वायर से ये कट जाएगा तो हमें होल स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू। ठीक है, अब इसको क्या करो, अब रेशनलाइज करो, रूट थ्री माइनस रूट टू, रूट थ्री माइनस रूट टू। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो तीन में से दो जाएगा तो एक आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या बचेगा, रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री और प्लस रूट टू, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट थ्री कैंसिल हो गया, रूट टू प्लस रूट टू टू रूट टू, आंसर आ गया जो 90 पे। 64 का 2 बाई 3 है, ठीक है ना, 64 का 2 बाई 3 है, तो हम 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, इंटू क्या है ऊपर 2 बाई 3 है ये, इंटू 2 की पावर माइनस 2 है, और 8 की पावर 0 1 होगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, और 1 बाई 2 है ऐसे, 1 बाई 2। ठीक है, तो तीन दूनी 6 कट ही जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा, और ये जब बेस से मतलब पावर माइनस होगा तो ये माइनस होगा 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, देख रहे हो, यदि हम इसको करेंगे ये 2 की पावर 4 और ये आ जाएगा 2 की पावर माइनस 2 और 1 बाई 2, बेस सेम होता है पावर ऐड होता है तो ऐड होगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 की पावर 2 और 1 बाई 2 ये वाला ये कट ही जाएगा यानी 2 आ जाएगा आंसर। इसको देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हमेशा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 जब भी पावर माइनस होता है तो वो नीचे आ जाता है ऐसे, जैसे x की पावर माइनस 2 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2, और माइनस 2 ऑलरेडी है इस पे, तो माइनस 2 की पावर का यदि आप स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 1 बाई 4, और ये माइनस 2 है तो माइनस 2 है, तो फिर हम क्या करेंगे इसको उल्टा, यानी 4 की पावर 2 यानी 16, ये रहा 93 पे आओ, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, तो 9 की पावर 1 बाई 3, 3 की पावर रूट हटाओगे तो 1 बाई 2, 16 का फोर्थ रूट है तो 1 बाई 4, रूट्स को ऐसे लिखते हैं ना 81 बाई 6, तो देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, 3 2 4 6 का 12, तो 12 मल्टीप्लाई कर दो हर में ताकि वो नीचे वाला हट जाए, तो 3 4 जा 12, 4 6 2 6 जा 12, ये 6 आएगा, 4 3 12 है और 6 2 12 है, तो 9 का फोर्थ पावर 9 चौके 6, 9 निम 81, कैसे निम 729, 729 निम 665, और 3 की पावर कितना है ये 6, यानी 3 3 9 3 27 3 81 3 729, 16 की पावर 3, 16 का क्यूब तो 16 का क्यूब 40 96 होता है, क्यूब तो 20 तक याद ही रखो, 80 का स्क्वायर 88 64 और 00, इसमें से हमें ग्रेटेस्ट निकालने के लिए कह रहा है ना, तो ग्रेटेस्ट तो यही वैल्यू है, ये किसका है 9 की पावर 1 बाई 3 यानी कि फर्स्ट, ये वाला, दिस वन इज द आंसर। स्टार का इसमें वैल्यू निकालना है, x ले लो फट से, ठीक है, 12 दिन 24 एक 25 बटे 2, तो क्या हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50 इंटू 25 बटे 2, तो 2 कटेगा ये 25, ये स्क्वायर जो है इधर आके रूट 25 इंटू 25 यानी 25 इज द आंसर। छः ती 18 एक 19 बटे 6, माइनस 3 दूनी 6 एक 7 बटे 3, तो 6 19 माइनस 3 दूनी 6 7 दूनी 14 है, तो 5 बटे 6 आ जाएगा ये, 4 चौके 16 और 3, 16 3 19 बटे 4 माइनस 5 बटे 6, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 6 नहीं 12 ले लोगे ना एलसीएम, 12 4 तीय 12 होता है, 19 तीय 57, माइनस 6 दूनी 12 5 दूनी 10, तो 47 बाई 12 आ जाएगा और प्लस 1 बाई 2, तो 12 6 प्लस 47 47 और 3 50 3 53 बटे 12,
ठीक है ना, तो 12 एक बार, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 48 2 50, 5/12। नेक्स्ट पे आ जाओ, 96 क्या हो जाएगा, देखो 1 + 1/2 3/2 होगा भाई, 3/2 होता है ना, 2 एकम 2 1 3/2, तो 2/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5/3। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, एवरेज एज ऑफ 20 बॉयज, जो 20 बच्चे हैं इनका एवरेज एज कितना है, 12 है। कहता है 5 बच्चे और एडमिट हो गए, 5 नए बच्चे आए हैं, तो क्लास का एवरेज कितना हो जाएगा, 20 25 और ये 20, तो एवरेज एज हुज एवरेज इज 7 ईयर्स, 5, अच्छा नहीं नहीं नए वाले का एवरेज एज, जो 7 आए हैं 5 आए हैं नए, उनका एवरेज एज 7 है, ठीक है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 12 दूनी 24 240 और 7 5 35, 240 200 और 35 कितना आ जाएगा, 275। ये कितने का हो गया, पूरे 25 बच्चों का, तो एवरेज के लिए 25 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 11। इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर प्लस मदर 35 ईयर है, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ फादर प्लस मदर एंड दियर सन, तीन लोग हो गए, 27 है। व्हाट इज द एज ऑफ द सन, तो फादर मदर यहां से 70 निकल आएगा और ये 7 3 यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 27 3 81 में से 70 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 11। 99 पे हो, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद, ए और बी दो लोग हैं, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद 500 रुपीज आफ्टर 2 मंथ, यानी ये पूरे 12 महीने रहा, आफ्टर 2 मंथ, 2 मंथ मतलब 2 महीने बाद, यानी 10 महीने के लिए बी आया कितने रुपए लेके, आफ्टर 2 मंथ बी ज्वाइंड ए विद रुपीज 400 400, ठीक है। 6 मंथ आफ्टर, आफ्टर द बिजनेस स्टार्टेड स्टार्टेड 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने सी रहा 6 महीने के लिए विद रुपीज 800, तो इफ द टोटल प्रॉफिट 40 इतना रुपए हो गया, तो कहता है किस रेशियो में बांटेंगे उसको, वो कितने कितने बांटेंगे, तो जिस रेशियो में लगाते हैं पैसा उसी रेशियो में बांटते हैं, मैंने ये 12 महीने के लिए लगाया, इसने 10 महीने के लिए, इसने 6 महीने के लिए, डिवाइड कर लो 00, तो ये चला ही गया, ठीक है। फिर कर लो 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 15 रेशियो 10 रेशियो 12, तो 27 10 37 आ गया ना, ये टोटल 37, 15 रुपये इसने, 10 रुपये इसने, 12 रुपये ये, तो 37 रुपये मिले हैं टोटल, लेकिन टोटल रुपए जो एवरेज रेशियो है वो टोटल प्रॉफिट वो 1444 है, 444, तो 37, यानी कि 7 के पेटल में 7 7 चौके 28, 7 × 7 7 2 14, 2, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई होगा ये, यदि तुम इसको 37 से डिवाइड कर दोगे ना पता चल जाएगा कि 12, यानी 37 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बन जाएगा, तो 12 हर जगह मल्टीप्लाई होगा, तो 12 यदि हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 1 को 12 5 60, 6 12 कम 12 6 18, 180 इसको मिलेगा, 180 एक ही ऑप्शन में, आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। 99 का ए, 100th पे आ जाओ, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 99, देखो और एच सी एफ 9 है, यदि किसी नंबर का एच सी एफ 9 है तो वो नंबर मान लो एक्स है, तो वो नंबर 9 के साथ मल्टीपल होगा, ये होगा ये नंबर, एच सी एफ हमेशा नंबर के साथ मल्टीप्लाई में रहता है, और एक दूसरा नंबर 9y होगा, ठीक है। इन दोनों का सम कह रहा है वो है 99, तो आप 9 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई कितना आएगा, 11, ठीक है। अब एक्स वाई कितने तरीके से 11 बन सकता है, देखो 10 + 1 11 बन सकता है ना, फिर 9 + 2 11 बन सकता है, 8 + 3 11 बन सकता है, 7 + 4, फिर 6 + 5, अब 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यही उल्टा आने लग जाएगा, बस इतने तक रखेंगे अब, ठीक है ना, क्योंकि अब 5 करोगे तो यहाँ 6 आएगा, तो ये तो वही वैल्यू आ जाएगा ना, तो इसको हमें अब लेने की जरूरत नहीं, अब रिपीट हो जाएगा, तो कितने आ गए इसमें से, ये दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आने चाहिए, वैसे कोई है मान लो 12 होता और 8 होता तो मैं इसको काट देता, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, लेकिन वैसा कोई नंबर है नहीं, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए आपस में, यानी एक दूसरे के टेबल में कोई आने नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा कोई टेबल नहीं हो जिसके जिसमें ये दोनों आते हो, तो ऐसा 10 1 नहीं है, 9 2 1 को छोड़ के, 9 2 नहीं है, 8 3 नहीं है, 7 4 नहीं है, 6 5 नहीं है, कितने पेयर हो गए, 1
दो मतलब दो दो चार एक पांच पेयर हो गए, तो 5 पेयर इज द आंसर। ठीक है, चलिए तो हमने इसमें मैथ और इंग्लिश दोनों आपको करके दे दिया। थैंक यू। यदि कोई मिस्टेक हो गया हो, कोई लगा हो आपको, कोई गलती हो, तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं उसको रीचेक कर लूँगा। थैंक यू।